बेटमा क्षेत्र के एक युवा भागवताचार्य ऐसे भी हैं जिन्होंने भागवत कथा के दौरान रुक्मणी विवाह प्रसंग के तहत दान में आने वाली राशि एवं जन सहयोग से अब तक सामाजिक समरसता के तहत 117 जरूरतमंद कन्याओं का विवाह भागवत कृपा सेवा समिति के माध्यम से संपन्न कराया है। भागवत कृपा सेवा समिति सामाजिक समरसता के तहत समाज के हर वर्ग को साथ लेकर निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन पिछले 5 वर्षों से करती आ रही है। देव उठनी 11 के 2 दिन बाद रविवार को नगर की मंडी प्रांगण में 51 नवयुगल जोड़ों ने यज्ञ वेदी के साथ फेरे लेकर एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना। इस बार कन्याओं को मंगलसूत्र, बिछोड़ी, पलंग, रजाई, गादी, बर्तन सहित लगभग 25,000 की राशि की विवाह सामग्री प्रदान की गई। विवाह समारोह में इंदौर सांसद शंकर लालवानी, अलीराजपुर विधायक मुकेश पटेल, पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, दिनेश गर्ग सहित कई गणमान्य नागरिक मुख्य रूप से उपस्थित थे। बेटमा आए इंदौर सांसद इस दौरान एक चाय की दुकान पर भी गए व चाय का आनंद लिया। वहीं सामूहिक विवाह के अंतर्गत इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर में अखिल भारतीय वेद महोत्सव कार्यक्रम करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में देश भर के वेद ज्ञाताओं को आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें संस्कृत महाविद्यालय एवं वेदों का ज्ञान रखने वाले ज्ञाताओं को वैष्णव स्टेडियम में कार्यक्रम होगा, जिसमें वेद पाठशाला एवं गुरुकुल बनाने को लेकर के विचार विमर्श कर परिणीति तक पहुंचाने की योजना बनाई जाएगी। बेटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। भाई हमारे जो गुरुजी हैं धुररी के लोकेशन जी ने, वो एक बहुत छोटे स्तर से, छोटे गांव से उन्होंने भागवत कथा की शुरुआत की और भागवत सेवा समिति बनाकर समाज कल्याण, लोक कल्याण के काम कर रहे हैं। चाहे वो सामूहिक विवाह हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे तमाम प्रकार के संस्कारिक बात हो, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उनको मैं बधाई और शुभकामना देता हूं और यथासंभव जब भी मदद होगी सामूहिक हम सब मिलकर मदद करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। कृपा सेवा समिति द्वारा पिछले 6 वर्षों से बेटमा में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। ये समाज के लिए बहुत आवश्यक है कि सामूहिक रूप से विवाह हो और इतने बड़े स्तर पर आज 51 जोड़ों के सामूहिक विवाह है और समाज के लोगों ने कन्यादान किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि समाज से जुड़ के काम कर रहा है। तो मैं पूरी समिति को बधाई देना चाहता हूँ। पंडित जी, शास्त्री जी जो इसका आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता है, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, अनन्य कार्यक्रम है। मुझे लगता है ये जिले का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसमें पूरा समाज जुड़ के समरसता के भाव से इस सामूहिक विवाह को करता है। आयोजनकर्ता को बधाई, नए वर वधु को शुभकामनाएं। सेवा समिति द्वारा सन 2018 से निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह की योजना प्रारंभ की गई और 2018 से इस वर्ष 2022 तक 5वां वर्ष हमारा लगातार है और अभी तक हम इस आयोजन सहित 115 कन्याओं का कन्यादान भागवत कृपा सेवा समिति द्वारा कर दिया जाएगा। यह आयोजन पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इसमें वर और वधु से 1 रुपये का भी सहयोग नहीं लिया जाता है। कथा और दानदाताओं के दान से ही इस आयोजन को पूरा संपूर्ण किया जाता है और आगे भी सब लोग भागवत कृपा सेवा समिति को समय सहयोग प्रदान करते रहें, ऐसी आशा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।